हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू लिटिल बर्ड इंग्लिश स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट मैथ्स स्टैंडर्ड 5। इन पेज नंबर 12 हियर गिवन है सम वर्ड प्रॉब्लम। सम वी विल 1 2 3 वी डू इन लास्ट वीडियो। हियर वी डू 4 नंबर सम। इन पेज नंबर 12 राज हैज़ 100। ही स्पेंड 4th part of amount to buy langro mango. He spent rest of 3/4 amount to buy kesar mango. Raj has 100 rupees. Raj ke paas 100 rupees hai. Agar wo 1/4 amount langro aam ke liye purchase karta hai, 100 rupees. What is of 1/4 of 100? 1/4 of 100 is a 25 and 3/4 100 is a 75. Agar wo 1/4 अमाउंट लंगड़ो आम परचेस करने के लिए और 3/4 अमाउंट केसर मैंगो परचेस करने के लिए यूज़ करेगा तो हम कितना लंगड़ो मैंगो और केसर मैंगो परचेस करेंगे। ए नंबर, हाउ मेनी केजी लंगड़ो मैंगो ही एंड ब्रॉट इफ़ रुपीज़ 50 इज इक्वल टू 1 kg। लंगड़ो आम की प्राइस क्या दी हुई है 50 per kg। इफ़ रुपीज़ 50 इज इक्वल टू 1 kg देयर फोर वी हैव 25 rupees। देयर फोर 25 rupees हाउ मेनी वी डू हियर ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 25 डिवाइड बाय 2, 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, हाफ ऑफ केजी ऑफ लंगड़ो मैंगो। इन सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी केजी केसर मैंगो ही हैड ब्रॉट इफ़ रुपीज़ 150 इज इक्वल टू 1 kg। केसर मैंगो की प्राइस दी हुई है रुपीज़ 150, इफ़ रुपीज़ 150 इज इक्वल टू 1 kg देयर फोर 75 rupees हाउ मेनी वी डू हियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 75 वन ज़ा 75, 75 टू ज़ा 150, सो हेयर हाफ ऑफ के जी। राज विल बाय हाफ ऑफ के जी ऑफ केसर मैंगो। इन पेज नंबर 12 हेयर गिवन अ वर्ड सम वर्ड प्रॉब्लम्स सम। हाउ मेनी रुपीज़ आर कलेक्टेड बाय द ग्रुप इन एवरी मंथ। स्टूडेंट, इन पेज नंबर 12 हेयर गिव अ सम। इन पेज नंबर 12 हेयर गिवन अ सम विमेन आमरा बैंक मैंगो प्रोड्यूसर। द मीटिंग ऑफ वुमेन आमरा बैंक इज जस्ट स्टार्टेड। मधुबेन इज इज चेयरमैन और दिस बैंक इज एस्टेब्लिश इन 20 मेंबर्स। एवरी मेंबर सेव 25 पर मंथ एंड डिपॉजिट इन द बैंक। हियर गिवन एन एग्जांपल इन योर टेक्स्ट बुक एंड हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी रुपीज़ आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ। वो हर महीने में कितने रुपीज़ कलेक्ट करेंगे। टोटल मेंबर इज अ 20। मनी कॉल्ड बाय ईच मेंबर रुपीज़ 25। टोटल मनी इज अ 20। मनी कलेक्टेड बाय ईच मेंबर इज अ 25। इफ वन मेंबर इज अ 25 rupees देयर फॉर 20 मेंबर इज अ हाउ मैनी। वी डू हियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमें एक की वैल्यू दी है, ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम व्हाट वी डू स्टूडेंट, वी डू मल्टीप्लीकेशन। 25 मल्टीप्लीकेशन बाय 20 500 rupees। 25 to 50 वी विल राइट हियर 0। आंसर, द ग्रुप विल कलेक्ट रुपीज़ 500 इन एवरी मंथ। ये हमें ओनली वन मंथ का हमको कलेक्शन मिला है। हाउ मेनी रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन अ 10। स्टूडेंट, इफ वन मंथ इज इक्वल टू 500 हमें कितना फाइन करना है 12 मंथ। एक की वैल्यू दिए, ज़्यादा की वैल्यू फाइन किए, वी डू मल्टीप्लीकेशन। 12 मल्टीप्लीकेशन बाय 500, 12 5 60 will write here 0. So rupees collected in a 1 year is rupees 6000. Student, if 1 year is equal to rupees 6000, so therefore 10 year is equal to how many? What we do here, 1 ki value diye, jada ki value find karni hai, we do here multiplication. 6000 multiplication by 10, 6 1 ja 6, we will write here 0. The member will collected in 10 years 60000 rupees in a 10 year. Practice इन योर पेज नंबर गिवन 12, रेखा बोरोड अ लोन रुपीज़ 40000, सी पेड 345 टू बैंक एवरी मंथ। रेखा ने एक लोन लिया है, वो हर महीने 345 रुपीज़ पे करती है फॉर ईयर। हाउ मेनी रुपीज़ डिड सी पे टू द बैंक, कितना पैसे उसने बैंक को पे किए हैं। और हाउ मेनी रुपीज़ आर येट टू पे, कितना पे करना बाकी है। रेखा बोरोड लोन ऑफ 40000, सी पेड रुपीज़ 345 एवरी मंथ। इफ़ वन मंथ इज इक्वल टू 345, नाउ 12 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी। वी डू हियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 12 को हम 345 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो वी विल गेट हियर रुपीज़ 4140। सी हैड टेकन अ लोन,
she had taken a loan rupees 40,000 and she paid 4,140, so she didn't not have to pay any more. So student, she had taken a loan of 4,000, sorry, and she paid to 4,140, so she did not have to pay any more. Meera and brother borrowed a loan of rupees 21,000 to pay new plants of grafted mango tree. They paid back rupees 23,520 in a year. वो yearly कितना pay करते हैं? Yearly उन्होंने 23,520 pay कर दिया. How many rupees they would have paid every month? उन्होंने month में कितना rupees pay किया होगा? Loan कितने का लिया हम लोगों ने? 21,000. Paid 23,520. If 12 month is a 23,520. 1 month is equal to how many? We do here cross multiplication. 23,520 divided by 1 and multiplication by 1 and divide by 12. 23,520. 12 ones are 12. 23 minus 12 is equal to 11. 5 bring down. 115. 12 nines are 108. 115 minus 108. We will get here 7, bring down 2, 12 6 are 72, 72 minus 72 is 0, we will bring down 0, our question is a our question is a 1960. So 23,520 divided by 12, we will get here 1960. 1 month is equal to 1960. They would have paid rupees 1960 every month. 12 month is equal to 23,520. And 1 month is equal to how many? What we do here? Division. We divide 23,520 divided by 12. We will get a 1960. So finally, they would have paid 1960 every month. Student, this all word problem sum, you all of you write down your notebook. Thank you.